Good morning, students. Welcome to GM Donda's e-learning class. So our today's subject is science. Let us start in our today's e-learning session, chapter number 6, animals, life. As you all know, what is animal and what is life, right? There are millions of animals living on the earth. Some are very tiny that we cannot see with the naked eyes, and some are very huge like whale, right? So first of all, in this chapter, what you will understand, let us check the objectives. Different habitats means animal kahan pe rehte hai, then different body covering, unki body kaisi bani hoti hai, then different eating habits, then different method of breathing, then different method of moving and traveling to a long distance. So first of all, there are many animals, different kind of animals living on the earth. Some are very tiny like amoeba that we cannot see with our naked eyes. We need to see with in the microscope. And some are huge like whale or elephant also, right? All animals live in a different kind of surroundings like forests, deserts, seas, rivers, ponds, mountains or snow covered areas. So all the animals, matlab sare animal alag alag type ke region, matlab alag alag type ke areas mein rehte hai, right? तो उसी को हैबिटेट कहते हैं. द सराउंडिंग्स इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल्स रहते हैं एंड सर्वाइव करते हैं, दैट इज नोन एज अ हैबिटेट. ऑल एनिमल्स हैव अ डिफरेंट फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर स्पेसिफिक हैबिटेट. सपोज लायन कहाँ पे रहते हैं? लायन फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट? बर्ड कहाँ पे रहते हैं? बर्ड नेस्ट में. देन रैबिट बरो. फिश लिव इन द वाटर. अगर हम फिश को बाहर निकालेंगे, फिश विल नॉट सर्वाइव, मतलब फिश पानी के बाहर नहीं रह सकती है, राइट? तो ये उनका हैबिटेट हुआ. अभी पोलर बियर जो बहुत ही कोल्ड रीजन, स्नो कवरिंग एरिया होता है, वहां पे रहते हैं. सो दिस इज नोन एज अ हैबिटेट. नाउ डिफरेंट बॉडी कवरिंग, मतलब गॉड ने सारे एनिमल्स को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की बॉडी कवरिंग दी होती है. सम एनिमल्स सच एज स्नेल, टर्टल हैव शेल ऑन देयर बॉडी, मतलब उनके बॉडी पे शेल लगा होता है, एक पूरा कवर जैसा होता है. स्नेल है, टर्टल है, उन सबके बॉडी पे ऐसा शेल होता है जो उनकी बॉडी को एनिमी से और बाकी सारे चीज़ों से कवर करता है. देन फिश हैव द थीन स्केल्स. फिश के अंदर बहुत ही थीन स्केल्स होते हैं. फिश ले लो या तो कोई भी रेप्टाइल्स है जिनके बॉडी में स्केल्स होते हैं. पर रेप्टाइल के बॉडी में कैसे स्केल्स होते हैं? रेप्टाइल के बॉडी में लेदरी, हार्ड लेदरी स्केल्स होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल जिसमें एकदम लेदरी टाइप का स्केल होता है, राइट? सो दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज. बर्ड्स हैव अ feathers which help them to fly also and keep their body warm also. मतलब उनके जो फीदर होते हैं वो उनको
वार्म रखते हैं। मम्मल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम। देन पोलार बियर हैव थिक कवरिंग हेयर्स विच इज नोन एज अ फर। जो बहुत ही थिक फर मतलब हेयर होते हैं जिसे हम फर कहते हैं, उससे उनका बॉडी प्रोटेक्ट होता है, जो उनको इतनी सारी ठंडी मतलब स्नो कवरिंग, दे आर लिविंग ऑन द स्नो कवरिंग एरिया राइट, सो इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सच अ कोल्ड। नाउ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, ऑल द एनिमल्स हैव अ डिफरेंट ईटिंग हैबिट राइट। सम एनिमल मीन्स एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कोल्ड हर्बीवोरस एनिमल, लाइक काउ, एलिफेंट, शीप, गोट, जेब्रा, हॉर्सेस, ओके, दे ऑल हैव द शार्प फ्रंट टीथ टू कट एंड बाइट देयर बाइट द प्लांट्स राइट, एंड बैक टीथ टू ग्राइंड द फूड, ओके, मतलब उनको फूड जो है वो ग्राइंड मतलब च्यू करने के लिए उनके जो बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और आगे के टीथ कैसे होते हैं, एकदम शार्प होते हैं, जिससे वो पेड़ पे से पत्तों को आराम से कट कर सकते हैं। नाउ एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल, लाइक लायन, टाइगर, वोल्फ, लिजार्ड, स्नेक, ईगल, आउल एटसेट्रा राइट। सम एनिमल लाइक टाइगर हैव द शार्प पॉइंटेड टीथ, मतलब मैनी एनिमल्स जो टाइगर के जैसे होते हैं, लायन, दे आर हैविंग द शार्प पॉइंटेड टीथ टू टीयर द फूड, मतलब दूसरे एनिमल को चीर के फाड़ के खाने के लिए उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं। एंड बैक टीथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, विद दैट दे कैन च्यू देयर फ्लैश राइट। सम एनिमल्स लाइक ईगल्स एंड आउल्स हैव अ शार्प एंड अ स्ट्रॉन्ग क्लोज टू कैच द स्मॉल एनिमल्स लाइक रेट्स एंड शार्प हुक्ड बीक टू टियर द फ्लैश, ओके। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव अ लॉन्ग एंड लॉन्ग स्टिकी टंग, दे यूज देयर टंग टू कैच द प्रे, ओके। देन स्नेक्स, स्नेक्स हैव हंड्रेड ऑफ बैकवर्ड टीथ दैट हेल्प देम टू स्वेलो देयर फूड, एंड दे आर हैविंग द डिटेचेबल जो ऑल्सो विच हेल्प देम टू स्वेलो द लार्जर एनिमल्स और द लार्जर वॉट एवर दे हैव ईटन दैट दे कैन इजीली स्वेलो विद द हेल्प ऑफ डिटेचेबल। नाउ एनिमल्स दैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट दे आर कॉल्ड ओमनिवरस एनिमल, लाइक डक, फॉल्स, ह्यूमन, डॉग, कैट एटसेट्रा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, मीन डिफरेंट ब्रीथिंग हैबिट। सम ऑफ द एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, मम्मल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स। जैसे हमें इंसान में लंग्स होता है वैसे ही बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में भी लंग्स होते हैं। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ लंग्स राइट। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन एट दैट टाइम लंग्स जो है वो पूरे उसमें एयर फील होती है, इसलिए
बड़े हो जाते हैं, और when we exhale at that time it comes in a normal condition. So this is the breathing habit of mammals, birds, reptiles, type of animals. Now breathe through the moist skin. Earthworms breathe through their moist skin. यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अर्थवॉर्म दिखाया है जिसकी जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है. यहाँ से ऑक्सीजन इनहेल होता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. सो डज द फ्रॉग व्हेन इज इन द विंटर सीजन. बट ऑन द लैंड frogs breathe through the lungs. Understand? Now breathe through the body holes. Insects breathe through their tiny body holes, that called spiracles. क्या बोलते हैं उसको? Spiracles बोलते हैं. बहुत ही tiny holes होते हैं उनके body पे जिससे सारे इंसेक्ट्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. सी ऑल द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड दे एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? द एयर दैट एंटर्स एंड रीचेस ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड द ब्रीथिंग ट्यूब्स. मतलब उनके बॉडी में जहाँ से एयर एंटर होती है वो ट्यूब को ब्रीथिंग ट्यूब कहते हैं. ओके, नाउ ब्रीथ थ्रू द गिल्स. यू ऑल आर अवेयर दैट फिश हैव अ गिल्स एंड थ्रू दैट दे ब्रीथ. एनिमल्स लाइक फिश, टेडपोल्स, प्रॉन्स एंड most animals that live in the water breathe through the air dissolved in water. मतलब जो air water में present होती है वो air से वो लोग oxygen लेते हैं, right? They have special type of gills. They have gills instead of lungs. They take in water through their mouth. As the water passes over the gills, the dissolved oxygen is taken in and carbon dioxide given outside. Okay? So this is the process. Here you can see in the picture, यहाँ मुँह में से fish पानी को अंदर लेती है, पानी pass means water body के अंदर pass हो जाता है और oxygen they keep inside and carbon dioxide they exhaled. That process is done with the use of gills. तो पानी के अंदर जो भी animal रहते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नाउ डिफरेंट मेथड ऑफ मूविंग ऑन द मींस एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं. एनिमल्स मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. मतलब उनके एनिमीज से बचने के लिए भी वो मूव करते हैं. देन दे मूव They also move to look for food, to find their shelter, to protect themselves from the heat, cold, rain. Like, then they move in the different ways. मतलब अलग अलग तरीके उनके मूव होने के होते हैं. Some move very slowly and some move very fast. There are three types of animal. Some moves on the land. Some moves on the some
fly in the air and some move in the water, right? Now अभी ये तीनों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे. Animals that move on the land. Many animals living on the land move with the help of their limbs. Many of them have walk on their limbs. The four limbs which are front limbs and back limbs are known as a hind limbs. मतलब आगे के जो पैर होते हैं उसे फोर लिम कहते हैं और पीछे के जो होते हैं उन्हें हिंड लिम्स कहते हैं. एनिमल्स जो क्रॉल भी करते हैं, राइट, फिर होप करते हैं. एनिमल्स जो रन करते हैं, एनिमल्स लाइक ह्यूमन विच हमारे जो पैर होते हैं उसे हिंड लिम कहते हैं और आम होते हैं उन्हें फ्रंट लिम कहते हैं, राइट. जो एनिमल बहुत फास्ट रन करते हैं उनके जो पीछे के पैर होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रांग, और किसी किसी एनिमल के आगे के बहुत स्ट्रांग होते हैं जैसे कि रैबिट. नाउ एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. बर्ड्स यूज देयर विंग्स to fly. Their wings are the four limbs. By moving the wings up and down, birds push their body in the air, right? मतलब अपने wings को up और down करते हुए birds अपने body को आगे air में move करते हैं. All the birds cannot fly because of their heavy body, right, and poorly developed wings. But they are good runners. For example, ostrich, emu, cassowary, okay. Some of the insects like housefly, bees, mosquito, butterfly, moths, etc. are flying insects. They can fly because of their light and small bodies and their light wings. So these are all the types of flying animals. By that they can move from here and there. Now animal that can swim. Animals move in the water. Special features, right? Fish swim by the moving their body and tail. They have the special kind of three fins that use to balance themselves and to change the direction and also to stop, right? Then frogs swim by kicking the water with their webbed hind legs. मतलब पीछे के जो पैर उनके होते हैं, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, उनके पीछे के पैर होते हैं वो वेब्ड होते हैं जिससे वो पानी को किक करके पानी में आगे बढ़ते हैं. द बोटमैन इज एन इंसेक्ट दैट यूज इट्स लेग्स एज अ ओर टू स्विम. अभी ओर क्या होता है, जो ओर होता है वो बोट को चलाने के लिए जो लंबी स्टिक यूज होती है उसे और कहते हैं. द एनिमल दैट बोटमैन टाइप का जो इंसेक्ट होता है वो उसी और को यूज करता है. नाउ टर्टल हैव द फ्लिपर्स एंड पेंगुइन हैव विंग्स दैट वर्क लाइक अ फ्लिपर्स. दे यूज देयर फ्लिपर्स टू स्विम. मतलब टर्टल को फ्लिपर्स होते हैं, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख ही रहे उसके साइड में जो दो लगे हैं वो उनके फ्लिपर्स है, राइट. सेम पेंगुइन को भी होते हैं, लाइक इट इज देयर विंग्स बट वो वर्क दैट वर्क एज अ फ्लिपर्स. नाउ एनिमल दैट ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंस.
बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो बहुत ठंडी होती है तब अपनी जगह से दूसरी वार्म प्लेसेस पे मूव करते हैं. सेवरल एनिमल्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस कम टू द वार्मर प्लेसेस लाइक द साइबेरियन क्रेन used to come to India during the winter and go back in the summer. But because of the pollution and many other reasons, now the Siberian comes not coming to India. Okay, now they travel thousands of miles to find the warmth, food and to give birth to their young ones. मतलब ये एनिमल क्यों मूव करते हैं? एक तो बहुत ठंड प्रदेश में वो रहते हैं, दूसरा अपने बेबीज को बर्थ देने के लिए, और जहाँ पे उनको वार्म्थ फील हो सके वैसे प्लेसेस में वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक चल के या तो उड़ के मूव करके आते हैं. नाउ दिस सीजनल मूवमेंट्स ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इस कॉल्ड माइग्रेशन. क्या कहते हैं उसे? माइग्रेशन कहते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट क्लियरली. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.